जो मोदी साहब की हार हुई है बंगाल में और जो चुनाव जीती है दीदी, हम मतलब किसानों की जीत हुई है वो, और हमने इसमें खुशी है और पूरा भारत नहीं खुशी है। और किसान मजदूर के साथ मोदी साहब गलत कर रहा था, जो तीनों अध्यादेश 10 महीने पहले बनाए थे, सरकार पूरे भारत के साथ कामेशाही कर रही थी, देश को बेच रहा था। आज करोड़ा गांव में खुशी मिला रहा है, लड्डू बांट कर खुशी मना रहे हैं, और किसान मजदूर की जीत हुई है, और किसान 50% जीत चुके हैं, और किसान साथी लगातार डटे रहे। हम लड़ाई जीत कर ही सांस लेंगे, हमारी यही तो लड़ाई है, केवल MSP हमारे के देश और तीनों काले कानून वापस हो जाए। मगर मोदी साहब बार बार संसद में कह रहे हैं कि MSP है, MSP रहेगी और MSP भविष्य में रहेगी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि मंडियां ऐसे ही चलेगी, मंडी ये चलेगी वो करेगी, MSP ये रहेगा। हरियाणा की 6 बड़े मंडियां हमारी टूट चुकी है, हमारी पुंडरी की मंडी टूट चुकी है, और इन्होंने अंबानी अडानी डांड में स्टोर चालू कर दिया है। तो इस खुशी में हम मोदी साहब जो आ रहे हैं, हम खुशी की लहर है पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे भारत में, और भविष्य में लगातार हम डटे रहेंगे, और तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, चाहे 2024 आ जाए, हम लगातार वहीं बैठे रहेंगे। और गांव करोड़ा का विशेष योगदान रहेगा, लगभग 30-35-40 लाख रुपये लगने वाले, तो लगातार अगर 4 साल भी हमें डटना पड़े, अगर करोड़ रुपये लगाने पड़े, हम लगाने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। करोड़ा ने जो दो बातें बताई हैं कि हमने किस हिसाब से लड्डू खिला गए हैं, वहाँ दीदी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मुंह के तमाचा मारा है, जो उसके मुंह पर कि पश्चिम बंगाल में वो बोल रहा था कि हमारी सरकार आएगी, 196 सीटें लेंगे, 90 सीटों से नीचे रखने की खुशी में हमने ये लड्डू बांटे हैं। सबसे बड़ी बात किसानों की यह है कि जो हमारे किसान भाई दिल्ली डटे हुए हैं, उनको इस बात की गहराई से ले रहे थे कि भाई हम पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल की जीत नहीं है ये, यार इंडिया की जीत है। और भाई करोड़ा हमारे मनजीत जी बहुत योगदान दे रहे हैं गांव करोड़ा के लिए, इसके लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।